हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आशीष पारेख। आज मेरे साथ वेद भी साथ है, वेद शर्मा, इनका खुद का अपना चैनल है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको डाल दूंगा। हाँ भाइयों, हम लोग नेशनल हाईवे छोड़ चुके हैं और हम लोग चाकसू की तरफ मुड़ गए हैं। शीतला माता के पहले जा रहे हैं, आपको शीतला माता घुमाते हैं। शीतला माता काफ़ी फेमस मंदिर है यहाँ का, शीतलाष्टमी को यहाँ मेला भरता है, लाखों लोग दर्शन करने को आते हैं। चलिए लेट्स मूव। शीतला माता का मेन दरवाजा आ गया है, हम लोग शीतला माता मंदिर की तरफ घूम गए। यात्री लोग मंदिर दर्शन करने आए, आप देखिए, दिख ही रहे यात्री आपको यहाँ पे। ये रास्ता है पहाड़ से जा रहा है, यहाँ पे काफी अच्छी जगह है। रास्ता बड़ा ही खतरनाक लग रहा है, गाड़ी को चलने में दिक्कत आ रही है, चढ़ने में। आप देखिए कैसी हिल रही होगी गाड़ी, आपका वीडियो भी हिल रहा होगा। ये काफी पहले रोड नहीं था, ये अभी बना है भाई। ये देखो ऊपर से, ये देखो पहाड़ से रास्ता जा रहा है, बड़ा खतरनाक रास्ता। ये वेद आप, आपको सामने दिख रहा है। हाय, कैसे हो वेद? बढ़िया अंकल। सामने आपको शीतला माता मंदिर दिख रहा है। चलिए माता जी के चलते हैं। मनसोचरण जी कहते थे, पुराना मंदिर थे, गंधर्व सेन की टाइम की बात आती है। कब की? गंधर्व सेन की बात आ चुकी है। वाह, पहली की बात आती है माता जी को। यो मंदिर ही मंदिर थे माता जी सबसे। टाइम से ना फिर प्रगट ले लिया। अच्छा, जब प्रकट हो मेड़ो पर आवे हमारे जात के आवे, ये मेड़ो पर आ जाए होली पीछे आटे का, आटे को शीतलाष्टमी को। कतरा आदमी आता होला जी मंदिर में? लाखों आदमी थे। और कतरा दिन को भरी थी मेलो? एक दिन को सब, मतलब बैठे मेला में वो झूला झाला दुकाना बाजार सब भरे थे। ऊपर का नजारा आप देखिए, कितना सुंदर नजारा है, बड़ा ही सुंदर और विहंगम दृश्य आपको यहाँ से दिख रहा है। बारा देवी देखी कितनी सुंदर है। लांगड़ बाबा का स्थान, जय हो लांगड़ बाबा की, जय हो लांगड़ बाबा का मंदिर है ये। ये भी मंदिर के साथ ही ये लांगड़ बाबा है। अच्छा, पछाड़ी जाए माता जी आई वहाँ के साथ ही जाए। लटा लटा पे भाग गए थे। हैं? लड़ाई क्यों हुई थी अब? अच्छा, लड़ाई हुई थी मुगला से। बारादरी का सामने आपको बारादरी दिख रही है, जो शीतला माता के यहाँ बनी हुई है, बड़ी सुंदर बारादरी है, बड़ी मनोहारी सुंदर। बारादरी से चल रहा हूँ मैं, बारादरी में आपको मैं तोता देखिए, आप कितना सुंदर लग रहा है सामने मिट्ठू तोता। अलग अलग समाज की बनाई हुई धर्मशालाएं भी देखिए काफी है यहाँ पे, आप पूरा दिन यहाँ आ सकते हैं और पूरा दिन अपना बिता सकते हैं, आप बड़ा ही सुंदर दिन आप यहाँ मना सकते हैं।
एक पिकनिक स्पॉट है जयपुर के पास में, जयपुर से अराउंड करीबन 42 से 45 किलोमीटर के बीच में है और बहुत ही सुंदर जगह है। अब मैं बारादरी में घूम रहा हूँ, आप देख रहे होंगे बारादरी कितनी सुंदर है। सामने देखिएगा मंदिर का मेन गुंबद दिख रहा है और ऊपर पताकाएँ बड़ी सुंदर फहरा रही हैं। बड़ा ही सुंदर दृश्य आपको दिख रहा है। मंदिर परिसर में हनुमान जी का स्थान, कबूतरों के लिए चुग्गे का स्थान, यह है मंदिर। पहाड़ी की चोटी पे बना हुआ है और काफी सुंदर मंदिर है। ये भी छोटी मोटी धर्मशाला है, यहाँ पे भी आप गोठ वगैरह का कार्यक्रम कर सकते हैं। नीचे भी जगह है, यहाँ जगरा वगैरह सब जगह लग सकता है। काफ़ी अच्छा स्थान है, पानी की भी यहाँ, जल की भी काफ़ी व्यवस्था है, प्रसादों की भी दुकानें हैं यहाँ पे काफ़ी। पहाड़ी की एक चोटी पे बना हुआ मंदिर है शीतला माता का। पुजारी जी से बात हुई थी तो पुजारी जी बता रहे थे मुगलों से पहले का ही ये मंदिर है ये, और यहाँ को युद्ध हुआ था जब माता जी प्रकट हुई थी। यहाँ पे काफ़ी समाज की धर्मशाला है, आप कभी यहाँ आ सकते हैं तो पूरे दिन यहाँ पे विश्राम भी कर सकते हैं। बड़ा पिकनिक स्पॉट है, जयपुर से लगभग 42 किलोमीटर, टोंक से करीबन 60-65 किलोमीटर दूर है। निवाई भी यहाँ से 20 किलोमीटर है, चाकसू गांव से ये 4-5 किलोमीटर दूर मंदिर स्थित है। बड़ा ही सुंदर मंदिर है, आप लोग घर परिवार के साथ पधारिए। दोस्तों, शीतला माता का यह ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करके जल्दी से जल्दी नई यात्रा पे आपसे मिलने का वादा करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।